गुड मॉर्निंग गाइज, तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ 75। तो गाइज आज का वीडियो है पूरा एक ज़बरदस्त चीज़ के ऊपर जो है S1 ओला का, तो उसका ऊपर रिव्यू करेंगे पूरा पूरी और इसके बाद और भी वीडियो आएगा इसके ऊपर, तो बने रहिए चैनल पे। और मेरा साथ है आकाश बोल के मेरा दोस्त है, वही है और वही सब कुछ बता देगा मेरा मेरे को, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं है बैटरी की स्कूटर के ऊपर, ठीक है। तो मेरा जो साइकिल है उसके ऊपर नॉलेज था, तो उसका वीडियो तो डाल चुके हैं और वीडियो जो आएगा अभी आकाश प्रधान सब कुछ बता देगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मेरा दोस्त है, तो यही इसी का बाइक है, तो यही सब कुछ रिव्यू देगा सबसे सही रहेगा, क्योंकि मेरा तो है नहीं ये स्कूटी, यही रिव्यू देगा तो सही रहेगा और नॉलेज भी इसके पास है। मिनिमम एक महीना हो गया ना स्कूटी का, तो एक महीना हो गया स्कूटी का, तो उसका रिव्यू पूरा पूरी दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कितना दिन पहले लिए थे स्कूटी? इसका बुकिंग मैंने किया था 3 सितंबर को और मेरा डिलीवरी हो गया था अराउंड 22 सितंबर को। Okay. मतलब एक महीने के अंदर ही पूरा पूरी 15-20 days आराम से हो गया इतना। तो पहला बात यह है कि ओला का दो वेरिएंट आता है, एक होता है S1 और एक इसका अपर मॉडल है S1 Pro। हाँ, ये हो गया ओला का S1 S1 है। दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस डिफरेंस इतना ही है ओला S1 Pro में कि उसका बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा आता है, मोटर दोनों का सेम है, उसमें मोटर सेम है, हाँ कंट्रोल सेम आ जाता है, जैसे कंट्रोल उसका एक ज्यादा आता है इसमें, जैसे आपका आता है इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, उसमें एक ज्यादा आता है वो हाइपर मोड। और उसके बाद इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है जो कि फोर व्हीलर्स में मिलता है, लेकिन वो ओला का S1 Pro में मिलता है। प्रो में है क्रूज कंट्रोल है, इसमें नहीं है, ठीक है। आप जब इसके बाद इसका मॉडल में आते हैं, सब कुछ दोनों में सिमिलरिटीज है, वही कुछ चीजें छोड़ के, ठीक है। ये फुल्ली आपका हो जाता है सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है, पूरा पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड, इसका कोई की नहीं है कुछ। तो इसका फीचर्स और क्या क्या है, जैसे आप आ जाइए, कैमरा थोड़ा लाके डिस्प्ले में पहले दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में आइए, दिखाते हैं फुल्ली इसका LED डिस्प्ले आ जाता है इसका। देखिए स्टार्टिंग में ही पैटर्न से अनलॉक होता है, ठीक है, पूरा पैटर्न, मतलब चाबी का कोई सिस्टम नहीं है, सही। S1 Pro में भी सेम है, गाड़ी अनलॉक हो गया। S1 और S1 Pro पूरा पूरी सॉफ्टवेयर जो है पूरा पूरी सेम है। इसमें आपका ये देखिए यहाँ पे आ जाता है ट्रंक का सिस्टम, ट्रंक यहाँ से ओपन ऑन होता है, 36 लीटर बूट कैपेसिटी है जो कि एनएफ है। ये चार्जर इसी का है, चार्जर इसका चार्जर आ जाता है, ठीक है। बूट साइज में दो आपके हेलमेट आराम से आ जाएगा। और इसका ये चार्जर कहाँ से करेंगे, उसका कोई चार्जिंग पॉइंट मेरे यहाँ पर है, आप थोड़ा कैमरा क्लोज ले आ सकते हैं, इसको वन टैप, ये हो गया चार्जिंग पॉइंट, नीचे है, मतलब एक जो कोई भी खुल सकता है आराम से। हाँ, मतलब इसका कोई डर नहीं है कि कोई आके छेड़छाड़ देगा? छेड़छाड़ने का डर है ना, वही बता रहा है कि दूसरे स्कूटी में जैसा लॉक रहता है, मतलब चाबी सिस्टम है ही नहीं, मतलब पूरा पूरी कोई चाबी नहीं है। और इसमें पता है कि सुने जो भी है इसमें स्पीकर भी है, हाँ, और नेविगेशन भी है, देख सकते हैं। तो इसका वीडियो बाद में मतलब लास्ट में डालेंगे, गाना मतलब गाना भी चला के दिखाएंगे। आप नेविगेशन आपको नेविगेशन है? नेविगेशन भी है इसका, ये आपका हो गया नेविगेशन। इसमें आपका जियो इनबिल्ट सिम आता है जो कि लाइफ टाइम रिचार्ज है। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ से हम आसनसोल जाएंगे, आसनसोल BNR लोकेशन एक मार दीजिए, यहाँ टाइप कीजिए आसनसोल BNR। आसनसोल बस स्टैंड कर रहे हैं, आसनसोल स्टेशन बस स्टैंड। हाँ, ये आपका रूट कर लिया, अब यहाँ स्टार्ट करने से जैसे आपका नॉर्मल नेविगेशन होता है वो आपका नेविगेशन कैच कर लेगा पूरा। तो हाँ, ये आपका होम स्क्रीन, जैसे फोन का एक नॉर्मल होम स्क्रीन होता है, ये उसका होम स्क्रीन। इसमें कोई वीडियो तीडियो तो नहीं चलेगा? नहीं, तो और भी दिक्कत, कॉलिंग फीचर भी नहीं है। और एक बात है, इसमें आप अगर नेविगेशन या कुछ भी सेट करते हैं और ये जब रनिंग मोड में आ जाती है ये नॉन ऑपरेशनल हो जाता है, इसीलिए आपका डाइवर्सन नहीं हो सकता है। मतलब चलाते चलाते हम नेविगेशन रहेगा आपका,
आप होता ना जैसे स्विच कर रहे हैं ये पेजेस, इसका स्विच करूंगा हाँ, डिस्प्ले ऑन कर रहे हैं, लॉक हो जाएगा उस टाइम। मतलब नेविगेशन चलेगा लेकिन चलेगा लेकिन आपका डिस्प्ले लॉक हो जाएगा, लेकिन नीचे सब कुछ जो डिटेल्स है नोटिफिकेशन वो सब कुछ देगा ना बैटरी का। ये सब आपका रहेगा, जैसे यहाँ आपका बैटरी बता रहा है कि यहाँ पे अभी कितना किलोमीटर चलेगा, जो चार्ज है जो मोड में अभी है उस मोड में वो बता देगा अभी कितना किलोमीटर और चल सकता है। यहाँ से आइडिया हो जाता है कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूँ क्या। मतलब डिस्ट्रैक्शन का कोई मतलब ही होगा नहीं यहाँ पर। ये आपका सेटिंग्स मेनू आ जाता है, यहाँ से आपका ब्राइटनेस हाई लो किया जा सकता है, हाई लो यहाँ से ब्राइटनेस होता है, साउंड सेटिंग्स है इसका, साउंड भी बढ़ा सकते हैं। हाँ यहाँ से होता है, यहाँ भी होगा ये बटन अप एंड डाउन का तो बटन, स्विच का सही रहेगा। हाँ, मतलब यही बात है। यहाँ से फिर आपका पासपोर्ट चेंज करने का ऑप्शन है, ये आपका अबाउट में बता देगा सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह सब कुछ अपडेट। इसमें मतलब फोन की तरह अपडेट भी होता है एकदम। ये देखिए सिस्टम अपडेट है, इज अप टू डेट। और एक चीज हमको जानना है, हम ये चीज खरीदेंगे तो उसके लिए पहले कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद कितना। देखिए ये आपका पूरा पूरी ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट से बुकिंग हो रहा है, ठीक है। हाँ। आप दोनों फैसिलिटीज ले सकते हैं, जैसे कि आप ईएमआई पे भी ले सकते हैं या डायरेक्ट कैश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ईएमआई में कितना वो आपका देखना पड़ेगा, कौन सा बैंकिंग के साथ वो लोग हो सक रहा है, जैसे आईडीएफसी का आ जाता है। हाँ। फर्स्ट लोन वाला, ठीक है। तो वो अराउंड आपका 20 to 30,000 डाउन पेमेंट से आ जाएगा आराम से। सही, लेकिन क्या बोलते हैं इसका जो वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं, तो ये ओला S1 सिर्फ S1 क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं, क्योंकि चला भी के देखिए अभी इसका वेस्ट बंगाल में ऑन रोड प्राइस पड़ा इंश्योरेंस रोड टैक्स और आपका एक्सटेंडेड वारंटी लेके 1,24,000। वही चीज नहीं वही चीज़ देखिए कि 95 तक हम टॉप स्पीड चला रहे हैं, क्योंकि स्कूटी उतना चलाएगा भी नहीं, 110-120 कोई चलाएगा, 80 है, ठीक है। उसके लिए सही है कि जैसे अभी आप देखे एक मिनट तक इसका कोई मूवमेंट नहीं था तो ऑटो लॉक हो गया, हैंडल लॉक। तो यहाँ पर ये चीज जो दिया है, ठीक है, इसका वॉइस कंट्रोल है ना और कुछ है? नहीं, इसका वॉइस नहीं है, ये तो जाने ना। ठीक है। और इसका डबल डिस्क है ना, डबल डिस्क, डबल CBS डिस्क। और नंबर प्लेट का क्या सीन है? नंबर प्लेट का हमको डायरेक्ट जब गाड़ी आपका डिलीवरी आएगा एक बार वंस पंचिंग होके आएगा, तो मतलब आपका डायरेक्ट लोकल जो RTO रहेगा वहाँ से वो लोग कॉन्टेक्ट करके आपका नंबर जो करने वही लोग सब ओला के एंड से हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसके लिए 18 साल ऐसा कुछ ये नहीं है, 15 years का जो रहता है वही बोल रहे हैं, एज का कोई लिमिट है कि नहीं? क्योंकि जैसा कि हम लोग दूसरा बाइक लेते हैं, कोई भी बाइक लेते हैं, हाँ, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो सब कुछ लेता है। हाँ, इसका भी लिया गया, तो रजिस्ट्रेशन का वो हर एक गाड़ी का आपका वही सेम प्रोसीड्योर है, 15 years का ही वो नंबर प्लेट वैलिड रहता है, रजिस्ट्रेशन जो रहता है 15 years। और एक चीज जानना चाहते है कि इसका हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड मतलब मानते हैं इसका वारंटी का। ये आपका बाय डिफॉल्ट 3 years वारंटी के साथ आता है, जिसमें आपका मोटर बैटरी सब कवरेज आ जाता है। मतलब मेरा साइकिल से अच्छा कि मेरा साइकिल में 2 साल का दिया था और एक्सटेंड नहीं करने वाला था कि एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन इसमें और 2 साल का एक्स्ट्रा दे रहा है और उसमें 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, टोटल 5 years एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आ जाता है। तो इसमें आपका शोरूम तो आसपास कुछ नहीं है, तो इसका आपका सर्विसिंग का भी कोई लफड़ा नहीं है, जैसे कि आपका डायरेक्ट होम घर में होम सर्विस सर्विस वहाँ पे वो लोग का व्हीकल आ जाएगा, उसमें गाड़ी लोड करेगा, जो सर्विसिंग करना हो कर देंगे, वहीं पे ड्रॉप इसमें जैसे एक चीज देख लेते, नॉर्मल स्कूटी में ये फ्लैट आता है, जैसे कि कोई हेवी यूनिट आराम से रह सकता है, लेकिन इसका ये फ्लैट नहीं आता, यही इसका एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं इसका। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसका बैटरी का पूरा पार्ट्स वगैरह इनबिल्ट नीचे यहाँ पर है, इसी का अंदर है, और ये फिक्स बैटरी है, रिमूवेबल नहीं। अरे ये नॉर्मल मैकेनिक में यहाँ पर तो कुछ नहीं, 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 कुछ नहीं जो भी होगा ओला सपोर्ट में कॉल करना। लेकिन मेरा टायर पंचर होगा गाड़ी का, ये आपका ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस दोनों टायर ट्यूबलेस है, दोनों CBS ब्रेक के साथ आता है। अभी तक टॉप स्पीड कितना चला है इसका? 3 variant में 3 different स्पीड्स है, जैसे कि नॉर्मल मोड में आपका टॉप स्पीड 40 आता है, उसमें इसका एवरेज ज्यादा देखने को मिलता है, उसमें आपका 128 इसका मैक्सिमम एवरेज जाता है, मतलब मींस किलोमीटर वाइज, ठीक है। उसमें उसके बाद आ जाता है आपका नॉर्मल मोड में आपका टॉप स्पीड जाएगा 80 km/h, उसमें आपका एवरेज ऑलमोस्ट 97-98 तक आ ही जाएगा। और उसके बाद इसका जो टॉप स्पीड आ जाता है वो आता है आपका स्पोर्ट्स मोड में 95, जो कि चला के देखे अभी चला के 95 तक टॉप स्पीड जाता है, और उसमें बैटरी बैकअप कम हो जाता है बैटरी में पड़ेगा इसलिए। और इसका जो अपर वर्जन है वो आपका 113 किलोमीटर लेकिन उतना चलाएगा नहीं ना, इसलिए तो बोले मतलब वैल्यू फॉर मनी यही बोल सकते हैं। सही है, देख के तो हमको लग रहा है कि जी साइकिल ताइकिल छोड़ के यही सब ले ले, क्योंकि सुविधा की जो हम चाहते हैं कि जो बाहर को ही जाएंगे तो इसी से जाना सही रहेगा। और इसका हेडलाइट का क्या फीचर्स है? एकदम
दिखा देते हैं, पहले आप स्विचेस में दिखा, हेडलाइट के स्विचेस, स्विचेस पहले स्विचेस दिखा देता हूँ आपको, आप आइए सर। ये हेडलाइट के लिए, इसमें आपका हाई बीम, लो बीम और मीन्स बॉर्डर लाइट के लिए। उसके बाद आ जाता है ये रिवर्स गियर है, जो आपका टॉप स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर तक देगा। ये हो जाता है लेफ्ट इंडिकेटर, ये हो गया राइट इंडिकेटर, इधर हो गया हॉर्न, इसके बाद इधर आके ये हो गया मोड चेंज करने के लिए। मोड जो चेंज किया अभी चलाते चलाते वही चीज़, ये मोड चेंज करने के लिए है। ये आपका स्टार्ट ऑन ऑफ वगैरह के लिए है। और ये तीन हो गया आपका म्यूजिक कंट्रोल, हाई इसमें से वॉल्यूम हाई अप एंड डाउन होता है, और ये प्ले पॉज बटन। ये लो बीम है, ये लो बीम है, ये हाई बीम में आ गया, हाई बीम है। मैं अभी पहले लो बीम में ले जाता हूँ, ये ऑफ हो गया, हाँ ऑफ हो गया, अभी से बॉर्डर लाइट लगा रहा हूँ। मतलब DRL जिसको बोलते हैं, DRL अभी जी, हाँ मतलब मस्त लग रहा है। हॉर्न कॉल आ गया सर, हॉर्न मस्त है, ठीक है। इंडिकेटर हो गया, पूरा इनबिल्ट है, उधर के इंडिकेटर जो पूरा बॉडी के साथ इनबिल्ट है, आगे पीछे दोनों से देख सकते हैं। लुक वाइज बहुत अच्छा है। और इसमें ऐसा हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, मतलब जैसे कि नॉर्मल गाड़ी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हाँ ये इंश्योरेंस के साथ आता है, इंश्योरेंस मैंडेटरी है लेना। जैसे आपका टू व्हीलर्स लेने पे 5 ईयर्स की इंश्योरेंस आता है, इसमें भी सेम है। लेकिन हम एक चीज़ 5 ईयर्स का दे रहा, जैसे कि दूसरा गाड़ी में फर्स्ट साल का एकदम सेम फर्स्ट ईयर का आता है फर्स्ट पार्टी, बाकी 4 आता है थर्ड पार्टी। बीच में आप रिन्यू कर सकते हैं, इसका भी सेम प्रोसेस, सेम। जैसे आपका नॉर्मल बाइक है, उसका भी हाई स्पीड होने के कारण जो रूल्स है, इसमें भी सेम रूल्स है। इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत है? एकदम लाइसेंस मैंडेटरी है जितना भी टॉप स्पीड, किसी को पता है कि लाइसेंस की जरूरत नहीं, बैटरी स्कूटी चला रहे हैं तो लाइसेंस की जरूरत नहीं। जो सब व्हीकल का आपका टॉप स्पीड 20-25 तक जाता है, वो सब में लाइसेंस नहीं लगता, लेकिन ये सब आपका 95 आप देखिए, ये सब में मैंडेटरी। इसमें सिर्फ जैसे आपका नॉर्मल गाड़ी में 5 चीज़ मैंडेटरी रहता है, हेलमेट, लाइसेंस, UCC, इंश्योरेंस और रोड टैक्स। इसमें सिर्फ UCC छोड़ के बाकी 4 चीज़ मैंडेटरी। तो कोई पॉल्यूशन का सिस्टम ही नहीं है। पार्किंग मोड में थ्रोटल काम नहीं करेगा, जैसे एकदम लॉक है, ये मीन्स पार्किंग मोड में। अभी ये गाड़ी रनिंग स्टेट में नहीं है, इसको स्टार्ट करने के लिए एक ब्रेक और इग्निशन टिपने से स्टार्टिंग मोड में आएगी, 0-0 मतलब स्टार्टिंग, ब्रेक थ्रोटल देते गाड़ी आगे बढ़ेगा, आगे चलेगी। हाँ, और इसका आप रिवर्स मोड भी आता है, जैसे ये रिवर्स बटन है, प्रेस करते ही रिवर्स मोड में आ गया। इसमें टॉप स्पीड क्या है रिवर्स में? 3 रिवर्स में कंट्रोल नहीं किया जा सकता टू व्हीलर रेस है, और इसको रिवर्स में लेने के लिए इसका फ्रंट आगे जाने के लिए उल्टा क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, फिर उसको अगेन रिवर्स बटन टिपने से वो आ जाएगा नॉर्मल से, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा, और स्कूटी भी बहुत अच्छा है, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम भी ले लेंगे स्कूटी, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये नॉर्मल साइकिल जो यूज़ कर रहे हैं इतना पैसा दे के, हमको ना मिल रहा है इंश्योरेंस, ना मिल रहा है एक्सटेंड करने की कोई वारंटी, उसका चाह हम ये लेंगे तो 5 साल तो हम चला सकते हैं एकदम, ठीक है। तो गाइस अभी ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं इसका, और इसका 2 स्पीकर आ जाता है इनबिल्ट, जिसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो इसका आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ओला स्कूटर म्यूजिक बोल के ये कनेक्ट हो चुका है, और इसको हम लोग प्ले करके दिखाएंगे, साउंड वहाँ से बढ़ा दीजिए। खूबसूरती रखो तुम, ऐसी चीजें मेरे काम की नहीं, आस्ते कर देंगे क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए तो चाहेंगे कि गाड़ी चलाते चलाते सुन सकते हैं इसका, सुन सकते हैं, लेकिन ये सेफ ड्राइविंग के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे और सामने वाला भी डिस्ट्रैक्ट होगा। एक तरफ सही है, लेकिन गाड़ी चलाते आराम से, ये आपका पार्टी के लिए बेस्ट है, कहीं आप पिकनिक वगैरह गए हैं, पिकनिक कर रहे हैं, बैकग्राउंड में गाना वाला लगे, स्टिकर लेने का झंझट नहीं रहा, सही है। और यहाँ पर चार्जर भी है ना, हाँ USB पोर्ट भी आता है इसमें, मोबाइल चार्ज के भी हो गया इसका चार्जिंग, इसको मैं आपको चार्जर भी दिखा देता हूँ। ये चार्जर कितना वाट का चार्जर है इसका? इस 33 वोल्टेज का। ये आपका ये डायरेक्ट कोई भी होम बोर्ड में इजीली फिट हो सकता है, और ये आ जाता है उसका गन, चार्जिंग गन, ये नॉर्मल इसको ऑन कीजिए और यहाँ पर लगाना, ठीक है।
इसको प्रेस करके इसीलिए वहाँ डिस्प्ले में भी दिखा देगा चार्जर चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है टू चार्ज बिकॉज ये कनेक्टेड नहीं लाइन से कनेक्टेड। और यहाँ से दिखा देगा कितना टाइम में फुल चार्ज हो सकता है, 5 घंटे में। हाँ, ये जीरो से आपका फुल चार्ज होने में 5 आवर्स लगेगा, लेकिन हम लोग तो कभी जीरो करेंगे भी नहीं। वही बात, मतलब 20 तक आते आते हम लोग आराम से 2-3 आवर्स में फुल चार्ज आराम से। मतलब मेरा साइकिल में भी ज़्यादा लगता है टाइम, मतलब 3-4 से 5 घंटे लगता है। वही चीज़ लग जाएगा, अरे पूरा इसका कंट्रोल नहीं होता। तो गाइस वीडियो यही तक है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और चाहेंगे तो हम ये चाहेंगे हम बोल रहे चाहते हैं कि ये स्कूटी हम भी जल्दी ले लें, क्योंकि साइकिल लेके कोई फ़ायदा नहीं। साइकिल चला तो रहे हैं लेकिन इंश्योरेंस का बहुत झंझट है, और उसमें इंश्योरेंस मिलता भी नहीं, एक्सटेंड करने का बहुत झंझट है। 2 साल का मिला था हमको हीरो का, तो हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके मेरा घर में भी ओला S1 आए। S1 प्रो नहीं लेंगे, S1 नॉर्मली, क्योंकि वैल्यू कम नहीं लगा, बजट में भी आएगा, फिट रहेगा। और यही तक है वीडियो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा Saurabh75 को, और भाई का जो इंस्टाग्राम आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आकाश प्रधान नाम है, ठीक है। और कुछ है कोई नंबर, आकाश प्रधान नाम है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इंस्टाग्राम आईडी का उसका, तो वहाँ पर भी प्यार दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।